हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिप्रा। मैं आज कर रही हूँ फेशियल। और हाँ, इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी किस तरीके से आप घर पे फेशियल कर सकते हैं, जिससे कि आपका पार्लर जैसा निखार आएगा। और हाँ, बहुत किसी को लगता है पार्लर में करते हैं अच्छा ग्लो आता है एंड उसमें ज्यादा चमक आ जाता है फेस में, एंड घर पे करते तो उतना अच्छा से नहीं आता है। तो मैं हर स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, जिस तरीके से पार्लर में करते हैं उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना आप लोग। मैं जिस तरीके से दिखा रही हूँ आपका फेस जो है एकदम से पार्लर जैसा चमक उठेगा, तो स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। और किस तरीके से मैं दिखा रही हूँ वो आप लोगों को करना है। तो मैं ले रही हूँ लोटस हर्बल का रेडियंट डायमंड, और इसका गोल्ड भी आता है, तो मैं ले रही हूँ डायमंड। एंड इसको मैंने लिया है लोकल शॉप से, आप चाहो तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। और इसका प्राइस है 325, और जो कि मुझे लोकल शॉप से लिए तो थोड़ा सा कम प्राइस में मिल गया था। एंड इसका बड़ा भी पैक अवेलेबल है, मैं सबसे छोटा वाला पैक लिए क्योंकि एक टाइम की यूज के लिए ही लिए है। साइड में दिया गया है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अप्लाई करना है इसको, एंड सारा कुछ इसमें अच्छे से मेंशन किया गया है क्या क्या। तो चलिए फेशियल का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आगे आप लोगों को कौन सा टॉपिक पे वीडियो देखना है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं आगे आप लोगों को मन पसंद का वीडियो शेयर कर पाऊँ इसी वजह से। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेयर को सिक्योर कर ले रही हूँ, ताकि कोई भी हेयर आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे इस तरीके के हेयर बेल्ट के हेल्प से। आप चाहो तो हेयर बैंड भी अप्लाई कर सकते हो। एंड मेरा फेस जो है क्लीन है क्योंकि मैंने फेस वॉश कर ली है। तो करते इस पैक को ओपन, एंड इस साइड में हर कुछ अच्छे से मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ पर भी देख कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं बता रही हूँ स्टेप से भी आप कर सकते हैं। तो इसको कर लेते ओपन। एंड इसको ओपन करने के बाद जो है इस तरीके से पाउच में है, उसमें टोटल 4 पैक है। और जैसे कि इसमें दिया गया है, स्टेप 1 है स्क्रबर, स्टेप 2 है एक्टिवेटर, स्टेप 3 मसाज क्रीम, स्टेप 4 मास्क। और इसमें कोई भी क्लींजिंग वगैरह नहीं दिया गया फेस को क्लीन करने के लिए, तो पहले आप फेस को अच्छे से क्लीन कर ले फेस वॉश के से। और आप चाहो तो पहले स्टीम ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी डेड स्किन वगैरह है ना वो अच्छे से फूल जाएगा, एंड स्क्रब वगैरह करेंगे तो वो इजिली रिमूव होगा, इसी वजह से आप स्टीम ले सकते हैं। और स्टेप 1 है क्लींजिंग एंड स्क्रब, दोनों साथ में ही दिया गया है, मैंने उस टाइम नहीं देखे थे इस वजह से मैंने बता नहीं पाया, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिए थे एंड अभी मैंने देखा तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। तो चलिए स्क्रबिंग कर लेते हैं, जो कि साथ में ही है, जो कि आप क्लींजिंग कर देंगे। और हाँ, आप पहले क्लीन कर ले फेस को फेस वॉश के हिस्से। स्क्रब को कट कर लेते हैं, एंड कट करने के बाद देख सकते हैं इतना सारा प्रोडक्ट है, जो कि मैं इतना सारा हाथ पे ले रही हूँ। आप चाहो तो बाउल पे भी निकाल कर ले सकते हैं, या फिर मैं जैसे हाथ पे लेकर करें उस तरह से भी कर सकते हैं। ये जो है इजी मेथड है, हाथ पे निकाले एंड अप्लाई करें। तो पूरे फेस पे मैं इस तरीके से अप्लाई कर ले रही हूँ, एंड पर पहले सबसे पहले आप अप्लाई कर लो पूरे फेस पे, जो है इसको स्प्रेड कर लो इस तरीके से, पूरे फेस पे फैला लो एंड उसको अच्छे से। उसके बाद आप इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको स्क्रब करना, जैसे कि आपको स्क्रब करना है छोटे छोटे स्ट्रोक्स में, जो है सर्कुलर मोशन में आपको पूरे फेस पे स्क्रबिंग करना है। और हाँ, मैंने वीडियो को स्पीड में किया है, इसी वजह से लग रहा है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में कर रही हूँ, बट उतना ज़्यादा स्पीड में नहीं कर रही हूँ, बहुत ही धीरे धीरे करना है, हल्के हल्के हाथों करना, वरना आपका स्किन जो है कट लग सकता है स्किन पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाने रहते हैं और इसका दाना जो है थोड़ा सा हैवी दाना होता है, जो कि आपको थोड़ा सा चुभन महसूस होगा अगर स्पीड में करेंगे तो। बहुत ध्यान रखें, बहुत ही हल्के हल्के हाथों इसको करना है। एंड अंडर आई पे जो है इस तरीके से रिंग फिंगर के हेल्प से करना है, क्योंकि रिंग फिंगर पे जो है प्रेशर कम पड़ता है, इसी वजह से आप कभी भी अगर रिंग फिंगर पे करते हो तो सॉरी अंडर आई पे करते हो तो रिंग फिंगर के हेल्प से ही अप्लाई करो। एंड उसके बाद इसको गीला कॉटन के कपड़ा के हेल्प से इसको क्लीन कर लेंगे इस तरीके से। और हाँ, ध्यान रखें जब आप क्लीन करो तो उसको भी हल्के हल्के हाथों क्लीन करना है, एंड एक भी दाना जो है रहने नहीं देना है, अच्छे से दाना को जो है रिमूव कर लेना है, जो भी उसका पार्टिकल्स रहते हैं उसको अच्छे से रिमूव करना, वरना आप आगे मसाज वगैरह करेंगे तो उस टाइम आपको चुभेगा। तो इसी वजह से पूरे अच्छे से क्लीन कर ले। एंड देन मैंने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, एंड देख सकते हो थोड़ा सा नेक पे बचा हुआ तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो इसको कर ले रहे हैं कट, एंड इसको भी ले रहे हैं हैंड पे, आप बाउल में भी ले सकते हैं, बट आप हाथ पे लेते हैं तो हाथ आपका क्लीन रहना चाहिए, तो ये आप ले। तो इतना सारा मैंने लिए हैं, एंड इसको पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, एंड 2 से 3 मिनट इसको मसाज देना है आपको। नॉर्मली मसाज देना, जेंटली मसाज देना, ज़्यादा कुछ मसाज का स्टेप फॉलो नहीं करना है, बस इस ये जो क्रीम एक्टिवेटर है ना इसको अच्छे से स्किन में जो एब्जॉर्ब कराना है। तो आप थोड़ा सा प्रेशर देकर पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करें, अगर आपको मसाज नहीं आता तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन पे ही मसाज कर ले।
अच्छे से मसाज करने के बाद जो है इसको इसी तरीके से फेस पर रहने दे, इसको रिमूव नहीं करना है। अब है मसाज क्रीम, एंड मसाज क्रीम को कट कर लेंगे एंड इसको भी हैंड पर लेंगे एंड देन पूरे फेस को पूरे फेस पर इसको अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, उसको एकदम से इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा साइड में काम हो रहा है इसी वजह से। एंड इसको पूरे फेस पर अप्लाई कर लिए हैं एंड देन पूरे फेस को मसाज करना है ताकि मेरा स्किन जो एकदम से रिलैक्स हो जाए। तो हल्के हल्के हाथों इसको सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मसाज करेंगे एंड चीक्स पे जो है सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद पूरे फेस को रिलैक्स कर देंगे एंड उसके बाद जो है लिप के अराउंड जो है इस तरीके से मसाज करें ताकि मेरा जैसे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो इसी वजह से। एंड जो भी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है ना, 4-5 बार करके फॉलो कर ले स्टेप को, 1-4-5 बार करके फॉलो करें। आपको पूरे फेस एंड नेक पे मिलाकर आपको 10 से 15 मिनट मसाज करना है। तो आपको कोई भी मसाज का स्टेप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको मसाज नहीं आता है तो सर्कुलर मोशन में भी मसाज कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखें थोड़ा सा आप जब भी मसाज करो तो थोड़ा सा हाथ पर प्रेशर देकर मसाज करो, और जब आप आई पे मसाज करो तो हल्के हल्के हाथ रिंग फिंगर मसाज करो। तो पूरे फेस पे आपको अच्छे से मसाज कर लेना ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाए, ब्लड में अच्छे से हलचल मच जाए। इस तरीके से आपको मसाज करना है एंड फोरहेड पे इस तरीके से कर लेना है और अच्छे से आपको मसाज करना है। रिंग फिंगर के से मैं अंडर आई भी कर रही हूँ, इस तरीके से बाहर के साइड इसको कर ले रही हूँ एंड आप करेंगे नेक पे, एंड नेक पे भी कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद इस तरीके से इसको मसाज कर ले रही हूँ और जो मसाज जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे इसको क्लीन, जो कि मैंने गीला कपड़ा के से इसको क्लीन कर ले रही हूँ। और जब भी आप क्लीन करो तो ज़्यादा पानी नहीं रहना है कपड़ा में, एक्स्ट्रा वाटर जो रिमूव कर देना है। तो पैक को भी कर ले रहे कट एंड इसको भी हैंड पे ले लेंगे और देख सकते हैं इतना सा मैंने लिए हैं और इसको मैं फ्लैट ब्रश केल से इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो फिंगर केल से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ब्रश केल से अप्लाई करते हो तो इजीली अप्लाई हो जाता है और अच्छे से अप्लाई होता है, तो इसी वजह से मैं ब्रश केल से अप्लाई कर रही हूँ। और इसका एक थिक लेयर अप्लाई करना है, ज़्यादा पतला लेयर अप्लाई नहीं करना है। तो एक साइड से मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ, आप पहले फोरहेड से स्टार्ट करें, बट मैं चीक्स से पहले स्टार्ट करती हूँ हमेशा, इसी वजह से मैं चीक्स से ही स्टार्ट किए हैं। एंड एक साइड मैंने अप्लाई कर लिए, देन उसके बाद मैंने दोनों साइड अप्लाई कर लिए हैं एंड कहीं कहीं छूट चुका था, बचा हुआ था तो वो देख रही थी मैं। एंड मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिए हैं, इसको ड्राई होने देते 15 मिनट। तो इसको भी गीला कपड़ा के हल से क्लीन कर लेंगे एंड क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको थोड़ा सा पानी पानी भी रहेगा कपड़ा में तो चलेगा। तो इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है और सब जब भी आप क्लीन करो ना, गमला में पानी रख लो एक टब में एंड उसमें कॉटन का कपड़ा डिप कर करके आप क्लीन कर लो। एंड क्लीन करने के बाद देख सकते हो मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है अभी। और आप लोगों को इस तरीके से रखना है, इसके ऊपर से आप लोगों को पानी वगैरह अप्लाई नहीं करना है। जिस दिन आप फेशियल करते हो उस दिन आपको पानी नहीं अप्लाई करना है एंड 2 दिन आपको फेस वॉश यूज नहीं करना है। और आप चाहो तो मॉइस्चराइज कर सकते हो स्किन को या फिर ऐसे भी रख सकते हो। तो अब मेरा फेस देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है।